राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ पर डढवाल में सीमेंट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगते मकान पर जा गिरा। हालांकि इस घटना में परिजन बाल बाल बच गए, लेकिन मकान का काफी नुकसान हुआ है। वहीं मकान के पास खड़ा किया बाइक भी इसकी चपेट में आ गया, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रक बरमाना से कीर्तपुर जा रहा था, सीमेंट से भरा था। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी गई। स्वारघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। मकान मालिक दीवाना राम पुत्र सोनू राम ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे एक धमाका हुआ। जब उठकर देखा तो लैंडर पर एक ट्रक गिरा मिला। धमाके की आवाज से सभी परिजन घर से बाहर निकल गए। गौरतलब है कि इस स्थान पर पहले भी एक गाड़ी गिरी थी, तब यह मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। दीवाना राम ने बताया कि अगर लोक निर्माण विभाग इस मोड़ पर पैराफिट लगा दे तो शायद आज यह घटना नहीं घटती। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि दुर्घटना स्थल पर विभाग को पैराफिट लगाने के आदेश दिए जाएं, ताकि आइंदा तीसरी बार ऐसी घटना घटित ना हो। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि मकान के नुकसान व बाइक के नुकसान की भरपाई गाड़ी के मालिक से करवाई जाए। मेरा नाम सुभाष है जी, और गांव डडवाल। और सुबह 4:30-5 बजे के करीब जोर से धमाका हुआ जी, और जब बाहर निकल के देखा तो गाड़ी लेंटर के ऊपर पड़ी हुई थी, जिससे हमारा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। टोटल मकान मतलब टूट गया है, और एक बाइक भी नीचे आ गई है। और PWD से हम यही डिमांड करते हैं कि यहाँ ब्लैक स्पॉट बनाया जाए और रेलिंग वगैरह लगाई जाए।